गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज ईबीपी न्यूज ने एक पोल प्रसारित किया। इस पोल में भाजपा को बहुमत की भविष्यवाणी है। भाजपा को 47% मतों के साथ 113 से 121 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि कांग्रेस को 41% मतों के साथ सिर्फ 58 से 64 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। पोल में सौराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस को बराबर 42% मत मिलने की बात कही गई है। वहीं उत्तर गुजरात में कांग्रेस को भाजपा से 5% सीट अधिक मिल रहे, लेकिन पाटीदार समुदाय के युवा नेता हार्दिक पटेल ने एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल में भाजपा को सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में नुकसान हो रहा है, किसान युवा और सभी समुदाय नाराज है, तो फिर जीत कहाँ से मिल रही है। अच्छा, समझ आ गया, भाजपा को खुश रखने के लिए दिखावा हो रहा है, चलो अब गुजरात की जनता दिखाएगी। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने अपने ट्वीट के जरिए एबीपी न्यूज के जो पोल है इस पर निशाना साधा था। यहां हम आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये पार्टी कोई काम नहीं करती है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।